नमस्कार साथियों टंग डायग्नोसिस के एपिसोड नंबर ट्वेंटी में आपका स्वागत है जिसमें हम बात कर रहे हैं टंग कोटिंग की टंग कोटिंग के विषय में हमारी बात चल रही है आज मैं बात करनी है अब टंग कोटिंग में और ग्रे कोटिंग के बारे में ये थोड़ी ग्रे एंड ब्राउन कोटिंग है ये तो मैं अब टंग कोटिंग जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम ग्रे कोटिंग के बारे में हमें बात करनी है मैनिफेस्टेशन क्या है

फ्रॉम वाइट और येल्लो कोटिंग वो वाइट कोटिंग से या येल्लो कोटिंग से डेवलप्ड होती है यानी कि जो ग्रे कोटिंग है या तो वाइट कोटिंग के बाद आएगी या येल्लो कोटिंग के बाद आएगी इंडिकेशन इंटरनल सिमडोम है ये जैसे कोल्ड और हीट डेफिशंसी और एक्सिस यानी कोल्ड में हो सकता है और हीट में हो सकता है या डेफिशेंसी सिमडोम में भी हो सकता है या और एक्सिस सिमडोम में भी हो सकता है ग्रे कोटिंग की जो हम बात कर रहे हैं ऑल कंडीशन ऑफ ग्रे कोटिंग मीन्स द सीवियर केस ऑफ बिलोंग टू एंटीरियर सिंडम नन ऑफ दैम इज एक्सटीरियर सिंडम जो ये कोटिंग की हम जो बात करें जो ब्लैक कोटिंग या हम ये ब्राउन कोटिंग या ऐसा हो सकता है कि ये ग्रे कोटिंग ये सब जो है इंटीरियर सिमडम है ये कोई बाहर के सिम्टम नहीं है मतलब एक्सटीरियर सिम्टम कोई नहीं है ये ये इंटीरियर सिम्टम है अंदर की तरफ से कोई डिसीज़ है ग्रे कोटिंग इन्वॉल्व आइदर फ्रॉम व्हाइट कोटिंग और फ्रॉम येल्लो कोटिंग दो प्रकार से बन सकती है व्हाइट कोटिंग से ग्रे कोटिंग हो जाए या येल्लो कोटिंग से ग्रे कोटिंग हो जाए अगर फ्रॉम व्हाइट कोटिंग से होती है इसको हम कोल्ड सिंड्रोम बोलते हैं और अगर येल्लो कोटिंग से ग्रे कोटिंग कन्वर्ट होती है इसको हम हीट सिंड्रोम बोलते हैं ठीक है ना द ग्रे कलर ऑफ द टंग कोटिंग कॉरेस्पॉन्स टू द डिग्री ऑफ पैथोजेनिक कंडीशन जो ग्रे कोटिंग है वो क्या बता रही है कि वो पैथोजेनिक कंडीशन को बता रही है कि जितनी ज्यादा ब्लैक होती चली जाएगी उतनी ज्यादा कंडीशन जो है पैथोजेनिक कंडीशन जो है वो सीवियर होती चली जाएगी है ना द डीपर द टंग कोटिंग कलर द सीवियर द पैथोजेनिक कंडीशन इट इज क्लियर नाउ अब कुछ ग्रे कोटिंग के पहले हम फर्स्ट ग्रे कोटिंग की बात करते हैं द ग्रे टंग कोटिंग इन कोल्ड सिंड्रोम है ना यूजुअली डेवलप्ड फ्रॉम वाइट टंग कोटिंग और कोल्ड ई विल अटैक ऑन डायरेक्टली मतलब ये ये कैसे आती है ये जो कोल्ड सिंड्रोम है ना और ये समझो डेफिशंसी की टंग को मान सकते हैं द ग्रे कोल्ड सिंड्रोम यूजअली डेवलप फ्रॉम द वाइट कोटिंग ठीक है ना जैसे कि एक ये टंक कोटिंग है थोड़ी सी ब्राउन ग्रे का कलर है फॉर एग्जाम्पल ग्रे एंड मॉइस्ट टंग कोटिंग विद लाइट व्हाइट टंग सिग्निफाइज यंग डेफिशंसी मतलब ऐसा है कि वाइट कोटिंग जब है वो कन कन्वर्ट होकर थोड़ी सी ग्रे कलर की हो गई है वाइट कोटिंग थोड़ी ग्रे कलर में शिफ्ट हो रही है तो ये यंग डिफिशेंसी को इंडिकेट करती है या कोल्ड एक्सिस को इंडिकेट करती है या वैस बॉडी के अंदर कम हो गई है उसको इंडिकेट करती है और कोल्ड डैम्पनेस एंड इंटरनल रिटेंशन ऑफ द फिल्म एंड फ्लूड्स और इस कोल्डनेस की वजह से इंटरनल रिटेंशन ऑफ फिल्म फ्लूड हो गया है इसको ये इंडिकेट करती है तो अगर समझ में आ रहा है फॉर एग्जाम्पल ग्रे एंड मॉइस्ट टंग कोटिंग विथ लाइट वाइट टंग सिग्निफाइज यंग डिफिशंसी एंड कोल्ड एक्सिस और कोल्ड डैम्पनेस एंड इंटरनल रिटेंशन ऑफ द फिल्म एंड फ्लू इसको इंडिकेट करती है अगर हम हीट की बात करें इफ कोल्ड ईविल इसी अभी ये इसी का है इफ कोल्ड ईविल अटैक्स द थ्री इन जैसे कि स्प्रीन हार्ट एंड किडनी अगर ये ठंडी ठंड जो है इन तीनों में चली जाती है ठंड कैसे चली जाती है जैसे स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी में या हार्ट यांग डेफिशिएंसी में या किडनी यांग डेफिशिएंसी की हम बात करें डायरेक्टली द दा कोटिंग विल बी ग्रे एंड मॉइस्ट विद कोल्ड लिम्स एंड नो थ्रस्ट उसमें जो है पानी की प्यास नहीं लगती है और कोल्ड लिम हो जाते हैं तो ये मतलब हम बात ये क्या कर रहे हैं कि ये डेफिशिएंसी की टर्म है टंग है जैसे किसी की किडनी यांग डेफिशिएंसी की टंग है उस पर वाइट कोटिंग है लेकिन जब वो ग्रे कोटिंग में कन्वर्ट हो जाती है तो वो सीवियर सीवियर यांग डेफिशिएंसी हो गई है किडनी यंग डेफिशिय सीवियर स्प्रीन या सीवियर हार्ट डेफिशियं इसमें कोल्डनेस सिमड्रम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है ग्रे टंग इन हीट सिंड्रोम इनवॉल्व फ्रॉम येल्लो कोटिंग, जो ग्रे कोटिंग है वो हीट सिंड्रोम की अगर बात कर रहे हैं वो येल्लो टंग कोटिंग से कन्वर्ट होती है ग्रे टंग में जैसे कि एक ये टंग है फॉर इंटेंस ग्रे एंड ड्राई कोटिंग विद डीप रेड टंग और इवन प्रिकिल टंग ड्यू टू एक्सट्रीम हीट कंज्यूमिंग फ्लूड मतलब इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि आपको ग्रे टंग कोटिंग आ रही है और उसमें ड्राइनेस आ रही है है ना तो उसमें क्या होता है बॉडी फ्लूड आपके कंज्यूम हो जा रहे हैं सूख जा रहे हैं बॉडी फ्लूड्स ये हीट की टंग है यानी फॉर इन फॉर इंस्टेंट ग्रे एंड ड्राई कोटिंग विद डीप रेड टंग और इवन प्रिकली टंग इज ड्यू टू एक्सट्रीम हीट कंज्यूमिंग फ्लूड्स ये हमने ग्रे टंग कोटिंग की बात करी और इसी के साथ हम ब्लैक टंग कोटिंग की भी बात करते हैं ये हमारी एक ब्लैक है, तो इसका क्या है? है अब ये ग्रे कोटिंग थोड़ी डीपर कलर की हो जाती है इट यूजली कम्स फ्रॉम ग्रे और ब्राउन कोटिंग ये ग्रे से और ब्राउन में आती है जब हम ग्रे की बात कर रहे थे वो व्हाइट से या येल्लो से आती है अब हम यहां बात कर रहे हैं कि ये ग्रे से या ब्राउन से आगे की सब शिफ्ट हो रही है यानी कि ब्लैक कोटिंग हो जा रही है मैकेनिज्म क्या है डेवलप फ्रॉम ग्रे कोटिंग यानी ग्रे कोटिंग के बाद ये ब्लैक कोटिंग डेवलप होती है इंडिकेशन <coughs> क्या है इंटरनल सिंड्रोम है ये कोल्ड और हीट डेफिशिएंसी और एक्सिस वही जैसे ग्रे में हमने बात करी थी ऑल कंडीशन ऑफ ब्लैक कोटिंग मीन द सीवियर केस एंड बिलोंग टू इंटीरियर सिंड्रम ये भी एक इंटीरियर सिमडम है ये एक्सटीरियर सिमडम नहीं है यानी कि कोई बाहर से आया हुआ चीज नहीं है ये अंदर से डेवलप हुआ हुआ सिंड्रोम है सेवलर डिफ्रेंशिएशन फॉर ब्लैक कोटिंग अगर बात करें तो सेवल डिफ्रेंशिएशन की पहले एक ये टंग ली मैंने इफ ब्लैक टंग कोटिंग इफ ब्लैक कोटिंग इज मॉइस्ट ये क्यों होते हैं ड्यू टू यंग डेफिशिएंसी लीडिंग टू कोल्ड और स्पिन डिसऑर्डर ड्यू टू डैम्पनेस इसमें ऐसा हुआ ये ब्लैक कोटिंग है सेंटर में है और ये स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी की टंग है तो ड्यू टू यांग डेफिशिएंसी लीडिंग टू कोल्ड और स्प्लीन डिसऑर्डर ड्यू टू डैम्पनेस ये ब्लैक कोटिंग अगर मॉइस्चर में है तो हमने जैसे इसकी बात करी थी जब हम शुरू से बात करते आ रहे तो ये जैसे इसकी जो साइड ऑफ द टंग है वो जो है वो स्वेल है तो ये हम स्प्लीन की टंग में मानते हैं या लीवर की टंग में मानते हैं क्योंकि ये ब्लड इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि रेडिश कम है पेल टंग है तो ये हमारी स्प्लीन डेफिशिएंसी की टंग है अब इसमें ब्लैक अंदर से हो गया तो ये क्या हुआ ये स्प्लीन जो है ड्यू टू यंग डेफिशिएंसी लीडिंग टू कोल्ड और स्प्लीन डिसऑर्डर ड्यू टू डैम्पनेस एक ये टंग है द टंग इज सोलन मॉइस्ट पेल कोल्ड वाटर इंसल्ट द हार्ट इसमें क्या है वाटर इंसल्ट द हार्ट के ये बता है कि हार्ट यंग डेफिशिएंसी की टंग है ये ये हार्ट यांग डेफिशिएंसी की टंग है नेक्स्ट बात है ब्लैक एंड ड्राई कोटिंग विद रेड टंग इवन इविन टंग, यानी कि जो टंग पे आगे आगे जो दाने आ जाते हैं उसको प्रिकल बोलते हैं जैसे हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं ये जो प्रिकिल है ब्लैक कोटिंग है इस पे ये ये भी ब्लैक कोटिंग है तो ब्लैक एंड ड्राई कोटिंग है एंड रेड टंग है इविन प्रिकल पे ये क्या है द हार्ट कंज्यूम द वाटर एंड वाटर विल बी एग्जॉस्टेड तो ये हार्ट फायर फाइब्लिंग की टंग हो जाती है अब इसमें जैसे थोड़ा सा और हम बात करें तो ब्लैक ड्राई कोटिंग इन मिडिल ऑफ द टंग अगर अगर सेंटर में अगर मिडिल ऑफ द टंग में जो है ब्लैक कोटिंग है तो इफ विद ब्लैक लिप्स एंड गम्स अगर साथ में ब्लैक लिप्स भी है और ब्लैक गम्स भी है तो ये होता है सजेस्ट स्टोमक फेलियर तो ये स्टोमक फेलियर को जो है इंडिकेट कर रही है वाइल विदाउट ब्लैक लिप्स एंड गम ड्यू टू ड्राई स्टूल इन द बाउल तो ये जो है स्टोमक को इंडिकेट कर रही है अगर वो लिप्स एंड गम्स जो है ब्लैक नहीं है तो वो हमारा ड्यू टू ड्राई स्टूल इन द बाउल्स ये अब अगर ये दोनों हीट की टंग है ब्लैक कोटिंग एट द टिप ऑफ द टंग इज ड्यू टू हार्ट फायर ब्लजिंग अगर हमारे टिप पे थोड़ी ब्लैक कोटिंग हो तो ये हार्ट फायर ब्लजिंग को इंडिकेट करती है ब्लैक एंड येलो कोटिंग ऑन द रूट ऑफ द टंग सजेस्ट हीट इन लोअर वार्मर आपको अगर पीछे की तरफ पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है तो उसको हीट इन लोअर वार्मर कहते हैं तो हीट इन लोअर वार्मर में हम किसका ट्रीटमेंट करेंगे हम ट्रीटमेंट करेंगे लीवर एंड गॉलबेटर का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं कुछ अब ये थोड़ा सा आपको बताना है इसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे आ, सिर्फ ये वाली ली है जो कि बुक में है नॉर्मल टंग हैज ए थिन वाइट कोटिंग विद रूट ये नॉर्मल टंग है जो ये हमने जैसे लाइन खींची है इसके ऊपर मतलब ये थिन वाइट कोटिंग है ये नॉर्मल टंग होती है हम अब बात करें जैसे द कोटिंग स्टार्ट टू बिकम रूटलेस इन द सेंटर इंडिकेट स्टोमक की डेफिशंसी अगर ये नॉर्मल टंग है जो लाइन दिखाई दे रही है नॉर्मल टंग है और बीच में से जो है ये जो है रूटलेस हो गई है यानी कि रूटलेस मतलब अगर हम इस ट्रंक को वाइप करें साफ करते हैं तो यहां से कोटिंग हट जाती है तो यह किस चीज को इंडिकेट करते हैं है। तो हम बोलेंगे द कोटिंग स्टार्ट टू बिकम रूटलेस इन द सेंटर इंडिकेट स्टोमक की डेफिशिएंसी कोटिंग बिकम्स रूटलेट ऑल ओवर अगर सारी टंग पे से कोटिंग निकल जाती है इंडिकेट मोर सीरियस स्टोमक की डेफिशिएंसी ये क्या अगर ये कोटिंग धीरे धीरे सारी निकल जाती है तो हम कहेंगे ये कोई बहुत है, की है। अब, अब ये रूटलेस है आपकी कि अगर हम साफ करते हैं तो टंग की कोटिंग निकल जाती है तो रूटलेस हुई और बीच टंग है कि बीच में कोई आपको बिल्कुल ऐसा है जैसे पीलिंग टंग है किसने स्क्रैच कर दिया हो तो उसको हम कहते हैं स्टोमक सेंटर बिकम रेड रिमेनिंग टंग हैज ए रूटलेस कोटिंग इंडिकेट कॉजिंग एम्प्टी हीट अब सेंटर तो पील्ड है <coughs> मगर रेड हो गया है अब वो तो वो क्या करे वो क्या बताएगा वो स्टोमक इनडेफिशी की वजह से एम्प्टी हीट बढ़ गई है उसको अब वो शो करता है टंग बिकम पील्ड ऑल ओवर इंडिकेट मोर सीवियर स्टोम इनडेफिशंसी अगर पूरी टंग पे से हमारी कोटिंग निकल गई है पील्ड हो गई है तो वो जो है सीवियर स्टोमक इंडेफिशंसी को इंडिकेट करता है टंग बिकम पील्ड ऑल ओवर एंड इज रेड इंडिकेट बोथ स्टोमक एंड किडनी इंडेफिशंसी कॉजिंग एम हीट अब ये ऐसी टंग है लेकिन रेड हो गई है पहली वाली टंग में हमने बात किया था इंडिकेट जो है पील्ड है मगर ये पील्ड के बाद रेड भी टंग हो गई है यानी पूरी टंग पे कोई कोटिंग नहीं है लेकिन रेड भी है ये साथ में तो ये किडनी डेफिशिएंसी और स्टोम हीट को इंडिकेट करता है Tongue become peeled all over with a stomach crack. पूरी पूरी है और बीच में स्टोमक का क्रैक है ये क्या कहता है स्टोमक इनडेफिश को इंडिकेट करता है टंग बिकम पील्ड ऑल ओवर एंड इज रेड विद ए स्टोमक क्रैक

और धीरे धीरे क्या है ये कोटिंग जो है सेंटर में मूव हो जाती है तो ये क्या बताती है इंडिकेट पैथोजेनिक फैक्टर गोइंग द इंटीरियर यानी कि जो जो पैथोजन है जो अटैक हुआ है वो अंदर की तरफ जा रहा है फिर मैं दोबारा बताता हूं इफ द कोटिंग फर्स्ट एपियर ऑन द फर्स्ट पार्ट इंडिकेट एक्सटर्नल अटैक सब्सिक्वेंटली कोटिंग मूव टू देंटर इंडिकेट पैथोजेनिक फैक्टर गोइंग इन द इंटीरियर ये इसको इंडिकेट कर रही है एक और है टिंग फर्स्ट अपेयर ऑन द आउट साइड ऑफ द टंग इंडिकेट एन एक्सटर्नल अटैक ये भी जो बाहर से अगर कोटिंग दिखाई दे रही है जैसे हम ये बात कर रहे हैं इसकी साइड से तो इफ द टंग फर्स्ट अपेयर ऑन द आउट साइड ऑफ द टंग इंडिकेट एन एक्सटर्नल अटैक एक्सटर्नल अटैक को बता है सब्सक्टली कोटिंग मूव टू देंटर इंडिकेट पैथोजे गोइंग इन द इंटीरियर तो पैथोजेनिक फैक्टर जो है अंदर की तरफ जा रहा है अगर ये इसके उल्टी टंगा जाती है यानी कि अगर ये पहले यहाँ पर हम कोटिंग देखते हैं उसके बाद वो बाहर की तरफ जा रहा है तो पैथोजेनिक फैक्टर वो निकल रहा है इसको हम बोलते हैं लेकिन बाहर से कोटिंग अंदर की तरफ जा रही है तो पैथोजेनिक फैक्टर आउटर से यानी एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जा रहा है और अगर इंटरनल में पहले हम कोटिंग देखते हैं बीच में और फिर वो बाहर की तरफ कोटिंग बढ़ती चली जाती है बीच में से ठीक हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा जो पैथोजेनिक फैक्टर है वो इंटीरियर से एक्सटीरियर की तरफ जा रहा है यानी कि ये फेवरेबल कंडीशन है और ठीक होने की स्थिति है ये हमारा टंग कोटिंग का चैप्टर हमारा यहीं पे पूरा होता है, है ना कल हम किसी और सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे थैंक यू साथियों धन्यवाद साथियों